कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, किस्मत तो बुजदिलों का बहाना है। कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, किस्मत तो बुजदिलों का बहाना है। ज़रा चंद कामयाब लोगों से पूछो, उन्होंने इस मुकाम पे आने से पहले कितना पसीना बहाया है। अब जो मैं कविता बोलने जा रही हूँ वो मैंने अपनी नानी जी की याद में लिखी है, वो पिछले हफ्ते ही गुजर गई हैं, तो रिसेंटली मैंने ये लिखी है, क्योंकि मुझे मतलब उनके घर हम लोग बहुत कम जा पाते थे, क्योंकि बाहर रहे न्यूक्लियर फैमिली थी, तो कभी कभार गर्मियों की छुट्टियों में जाना हो पाता था, तो जो भी बातें थी सब याद आने लगी और वो मैंने लिख डाली। तो जैसे ही खबर आई कि नानी जी नहीं रही, लगा मानो उन्हें देखे सदियां बीत गई। याद आने लगे वो सारे पल जो बीते थे नानी के घर, वो गर्मियों की छुट्टियों में उनके घर जाना, वो पापा जी के सामने वहाँ और ज़्यादा दिन रुकने के लिए गिड़गिड़ाना, वो आमों की बगिया और पानी का बम्बा, वो नानी की लोरियाँ और नाना जी का डंडा, वो घर पहुँचते ही नानी का हमारे हाथ चूमना और अपने बक्से से हमारे लिए कुछ खास मिठाइयाँ निकालना, वो रात रात भर नानी और उनकी बेटियों की बातें होना और हम बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना और रोना। कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि अलविदा कह चली वो हम सबको। मैंने तो खुद को संभाल लिया पर माँ को क्या समझाऊं, उन्होंने तो अपनी उस माँ को खोया जिसमें उन्होंने अपने भगवान को पाया। अजीब है ये दुनिया का दस्तूर, समय नहीं रुकता है आखिर क्यों। खैर जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, दुनिया में जो आया है उसे रोका नहीं जा सकता। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब तक जीवन है खुश रहो मस्त रहो, आखिर कल किसने देखा है कल तुम रहो या ना रहो। जख्मे दिलों को बयां ना करना वे और बढ़ जाएंगे, जख्मे दिलों को बयां ना करना वे और बढ़ जाएंगे, उन्हें तुम दिल में दबा के रखना वरना लोग हंसी उड़ाएंगे। अब ये मैंने एक कविता और लिखी है जो आतंकी हमले आए दिन आजकल होते रहते हैं उसके ऊपर। क्यों जगह जगह पर हो रही है नफरत की बरसात, क्यों जगह जगह पर हो रही है नफरत की बरसात, क्यों नहीं कोई आगे आता लेके मोहब्बत की सौगात। क्यों सरहद पर हो रही है गोलियों की बौछार, क्यों नहीं समझता ये दुश्मन की जंगे जीत नहीं है उपहार। क्यों आए दिन सैनिकों पर हो रहे हमले इस पार, क्यों आए दिन सैनिकों पर हो रहे हमले इस पार, क्यों नहीं कदम उठा रहा है अपना हिंदुस्तान। क्यों रोज रोज मृत सैनिकों की खबरें छा जाती हैं यहाँ, क्यों नहीं समझता है दुश्मन की अब हम भी हैं तैयार। क्यों जिहाद के नाम पर मचा रखा है विश्व में उत्पात, क्यों नहीं समझता आतंकी की प्रेम ही है असली जिहाद। क्यों कश्मीर के भाइयों को ललकारा जा रहा अपने ही वीरों के खिलाफ, क्यों नहीं ये पढ़ते असली कुरान और करते हर एक धर्म का सम्मान। धन्यवाद।